तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप के आप अच्छा होंगे। तो फ्रेंड, आज हम कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कितने HDR फोटो स्मूथ किए हैं और बैकग्राउंड को कैसे चेंज किए हैं। तो फ्रेंड, आप लोग चैनल पर नहीं होते, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने HD क्वालिटी में मैंने फेस स्मूथ और बैकग्राउंड को कैसे मिलाया है और पूरा फुल HD फोटो कितना खतरनाक स्मूथ किया है और बनाया है। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड चलिए स्क्रीन, तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस Lightroom एप्लीकेशन में ओपन करना है। प्ले स्टोर पर फिर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसको ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड, 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एड फोटो पर क्लिक करके और फाइल को सिलेक्ट करके अपने फोटो को यहाँ से ले लेना है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको ऑल फोटो पर क्लिक करना है और अपने फोटो को यहाँ से ले लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड, लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक्सपोजर को थोड़ा इंक्रीज करना है और कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा माइनस कर लेना है और हाईलाइट को इंक्रीज कर थोड़ा सा माइनस और शेडो को फुल कर लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद वाइट को माइनस और ब्लैक को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस कलर वाले पे आएंगे और मिक्स वाले पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आएंगे ऑरेंज वाले पे सैचुरेशन को माइनस और ल्यूमिनेंस को फुल। इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, इतना करने के बाद रेड वाले का सैचुरेशन थोड़ा फुल कर लेना है और ल्यूमिनेंस को थोड़ा बढ़ा लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, येलो वाले का सैचुरेशन को फुल और इतना इसका, और इतना करने के बाद इसका भी सैचुरेशन फुल कर देना है और इसका भी सैचुरेशन फुल। और आप लोग देख सकते हैं जिस जिसका कलर है वे अपने मतलब कपड़े पर जिस जिसका कलर है उसका तो सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आना है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको क्या करना है, टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और क्लियरिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और फ्रेंड इसको थोड़ा माइनस कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं और इसको भी थोड़ा माइनस कर लेना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, साइड पैनिंग इसको इस पे आने के बाद साइड पैनिंग को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और डिटेल को फुल कर देना है। मार्क्सिंग को थोड़ा इंक्रीज, नॉइज डिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज करके डिटेल को फुल, नॉइज कलर नॉइज डिडक्शन को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है और डिटेल स्मूथनेस को फुल कर देना है। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस दोनों ओपेसिटी को ऑन कर देना है। फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस कितना गोरा हो चुका है। तो फ्रेंड, इतना ही नहीं, अभी मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर कितना HD क्वालिटी में और कितना क्वालिटी आया है मेरे फेस में, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड, थोड़ा वेट कर लेना है, लोडिंग हो रहा है तो अभी सेव होगा। फ्रेंड, सेव होने के बाद आपको ऑटोडेस्क एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, वहाँ पे फेस स्मूथ करेंगे। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो फ्रेंड चलिए, सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीन पर चलते हैं। सो फ्रेंड, मेरा फोटो आ चुका है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं इस फोटो को। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में ओपन करते हैं यहाँ से। फ्रेंड, ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है, इस टूल वाले पे। फ्रेंड, टूल वाले पे आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कौन सा ब्रश लेना है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, इस वाले ब्रश को आपको ले लेना है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से सेटिंग वाले पे क्लिक करके और इसको फॉलो को 1, इसको भी 1 और इसको अपने साइज अपने मतलब हिसाब से रख लेना है फोटो के हिसाब से। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो पे ऐसे ऐसे चलाना है, आप लोग देख सकते हैं। छोटा बड़ा कर करके और जितना जूम कीजिएगा उतना ही अच्छा आपका फोटो स्मूथ होगा, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड, इतना खतरनाक मैं स्मूथ कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर और निशानी नहीं आ रहा है मेरे फेस स्मूथ में। आप लोग आराम जितना आराम से कीजिएगा उतना ही आपका फ़ोटो HD क्वालिटी में और सबसे अलग फ़ोटो एडिटिंग होगा, सबसे मस्त फोटो एडिटिंग होगा। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, इस चैनल पर न्यू है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में जितने ग्रुप होगा उसमें आप लोग शेयर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फ्रेंड, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा तो फ्रेंड वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड चलिए, वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट कर लेता हूँ यहाँ से।
देख सकते हैं फ्रेंड। इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है, फ्रेंड इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फ्रेंड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके शेयर वाले पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। फ्रेंड अब आपको क्या करना है, पिक्सेट एप्लीकेशन को ओपन करना है जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर ये वाला। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा सब ऐप का। और भी फ्रेंड प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन पर आना है। आप लोग देख सकते हैं प्लस वाले आइकन पर आने के बाद यहाँ से फोटो है ईडे फोटो पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने फोटो को यहाँ से ले लेना है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड फोटो को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फ्रेंड इतना करना है, यहाँ से टूल वाले ऑप्शन पर आना है। फ्रेंड टूल वाले पर आने के बाद यहाँ से अपने फोटो को यहाँ से रिसाइज कर लेना है। फ्रेंड आपको 28:28 आ रहा है, आपको भी आप में कुछ अलग आएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है। इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आना है फ्रेंड। इफेक्ट वाले पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इस कलर वाले पे आने के बाद आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं इस वाले पे। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो प्लस वाला आइकन आपको दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड, प्लस वाला आइकन इसको यहाँ पे लेकर छोड़ देंगे। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ से इसको पूरा इतना कर देंगे और आपको इसको इतना ही रखेंगे। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं इतना। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है बताता हूँ आपको, फिर इसको फुल कर देना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, डन कर देना है। फ्रेंड डन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आना है आपको और अपने एड फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड एड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको इस वाले पे क्लिक करना है, इस PNG का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड क्रॉप वाले करके यहाँ से आपको क्रॉप कर लेना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आपको स्किन कर देना है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड इतना करने के बाद आप इरेजर वाले पे आएंगे और इसको एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। आप लोग देख सकते हैं इसको रिमूव कर देना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको इसका भी डुप्लीकेट आपको एक यहाँ से क्लिक करके डुप्लीकेट ले लेना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसको यहाँ पे लगाना है। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे आपको ऐसे लगा देना है और इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से सॉरी फ्रेंड यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इरेजर वाले पे क्लिक करके और यहाँ से अपने एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको यहाँ से डाउन कर देना है। और फ्रेंड आपको बताता हूँ, फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर की ओर सेव लिख रहा है। फ्रेंड सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। और फ्रेंड आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ। फ्रेंड फिर से आपको क्या करना है, लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा कोना में। फ्रेंड इस पर क्लिक करके एड फोटो पे क्लिक करके अपने फोटो को वहाँ से फाइल पे सिलेक्ट करके अपने फोटो को वहाँ से ले लेना है। आप लोग देख सकते हैं तो फाइनली फ्रेंड मेरा फोटो आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से लाइट वाले ऑप्शन पे आना है। आप लोग देख सकते हैं लाइट वाले पे आने के बाद आपको हाईलाइट को थोड़ा माइनस कर लेना है, शेडो को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं वाइट को माइनस और ब्लैक को इतना माइनस कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं वाइट को थोड़ा इतना रख लेना है, ब्लैक को पूरा माइनस कर देना है और इसको वाइट को थोड़ा सा फ्रेंड ब्लैक को माइनस पूरा नहीं करना है, इतना कर लेना है और वाइट को थोड़ा इतना रखना है। आप लोग को देख सकते हैं अपने फोटो के हिसाब से। और लाइट वाले फ्रेंड इतना करने के बाद आपको कलर वाले पे आएंगे, मिक्स वाले पे आने के बाद आपको इसका सेचुरेशन को माइनस करेंगे, थोड़ा इल्यूमिनेंस को फुल कर देंगे और रेड वाले का भी माइनस पूरा फुल कर देंगे सेचुरेशन, और येलो वाले का भी और ग्रीन वाले का भी और सबका सेचुरेशन थोड़ा बढ़ा देंगे। आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से डन कर देना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको इस पे वाले पे आना है, क्लैरिटी थोड़ा अपने फोटो में दे देना है। आप लोग देख सकते हैं और टेक्सचर को थोड़ा इंक्रीज माइनस कर देना है और इसको थोड़ा बढ़ा देना है। आप लोग देख सकते हैं इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको भी थोड़ा माइनस में कर लेना है
एकदम फोटो रियल लगे। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे आने के बाद इसको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, इसको फुल कर देना है। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस सिचुएशन को थोड़ा इंक्रीज कर देना है और इसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है, आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से इस इफेक्ट वाले पे आएंगे और आपको क्या करना है, इसको थोड़ा माइनस कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे और क्लियरिटी थोड़ा इतना और थोड़ा सा इसको भी माइनस कर लेंगे। फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर कितना HD क्वालिटी में मेरा फोटो बन चुका है। तो सो फ्रेंड चैनल पे नहीं होते प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड इतना कटिंग और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।